नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद। उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी बदल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, सत्ता के गलियारों से आ रही खबरों के बीच एक खबर जो सबसे ज्यादा इसमें वायरल भी हो रही है उसको वह सीएम की कुर्सी को लेकर है। हालांकि अभी सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ काबिज हैं, लेकिन दूसरे बेहतर विकल्प के रूप में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है वो है एमएलसी एके शर्मा का। जी हाँ, ये वही एमएलसी एके शर्मा है जो कभी पीएमओ में और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त पात्र माने जा रहे थे। हालांकि कोविड काल के दौरान एमएलसी एके शर्मा ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस देकर जहां बीजेपी के बड़े लीडरों का विश्वास भी जीता है, वहीं आम आदमी के बीच अपना एक खास जगह भी बनाई है। आपको बता दें, एमएलसी शर्मा रहने वाले मऊ के हैं और सत्ता की गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं मुख्यमंत्री के सीट के लिए हो रही है। हालांकि एमएलसी एके शर्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी भी है। आइए जानते हैं कौन है एमएलसी शर्मा और क्या है इनके अपने काम। पूर्व आईएएस और एमएलसी एके शर्मा काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर के इंचार्ज हैं। पूर्वांचल में कोरोना महामारी से हालात बिगड़ने के बाद उन्हें स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भेजा गया। बनारस के साथ पूर्वांचल के लोगों ने भी एमएलसी एके शर्मा के टारगेट डिस्ट्रॉय करने के तरीके को महसूस किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव को लेकर बनारस में किए गए काम की तारीफ की। एमएलसी एके शर्मा को ठीक से जानने के लिए हमें वक्त के पुराने पन्नों को पलटना पड़ेगा। चलिए 2008 में चलते हैं, पश्चिम बंगाल की सिंगूर घटना। कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा ये कस्बा देश की सबसे बहस तलब जगह बन चुका था। बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और सरकार ने टाटा कंपनी को सिंगूर में लकटकिया कार बनाने के लिए जगह दे दी थी। लकटकिया यानी लाख टके की कार उर्फ टाटा नैनो। लेकिन रतन टाटा का भारत के मध्यम वर्ग को चार पहिए का मालिक बना देने का सपना थराशाही हो रहा था। तब की प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और कई सामाजिक कार्यकर्ता टाटा के प्लांट के लिए सरकार द्वारा उपजाऊ जमीन देने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ मजदूर और खेतिहर किसान भी इसमें शामिल थे। लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, बहुत बहस हुई। टाटा के विरोध के लिए बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक संगठन सामने आ गई। आखिरकार टाटा ने अक्टूबर 2008 में ऐलान कर दिया कि वह इस प्लांट के लिए बंगाल के सिंगूर में नहीं लगाएंगे। कहते हैं कि रतन टाटा के मोबाइल पर उस समय एक मैसेज आया, एसएमएस नरेंद्र मोदी ने भेजा था। मैसेज में लिखा था, सुस्वागतम, रतन टाटा गुजरात चले गए। यहाँ पर साणंद में नया प्लांट खोलना था, लेकिन साणंद में जमीन का मिलना कठिन था। जिस जमीन पर टाटा की फैक्ट्री लगनी थी वहाँ कुछ पेच फंसा था। पेच सॉल्व करने का जिम्मा एक आईएएस अफसर को दे दिया गया। वह अफसर उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। पेचीदा से लगते इस जमीन के मामले को कुछ ही हफ्तों के भीतर इस आईएएस अधिकारी ने सॉल्व कर दिया। टाटा की फैक्ट्री जम गई। जिस आईएएस अफसर ने यह कारनामा कर दिखाया उस अधिकारी ने 12 जनवरी 2021 को अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही वीआरएस ले लिया, यानी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, और 14 जनवरी 2021 को धूमधाम से लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ले ली। अफसर का नाम अरविंद कुमार शर्मा, वही शर्मा जिन्हें यूपी में विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल कराया गया था, एमएलसी बनाया गया था। कुछ पुरानी पत्रकार दावा कर रहे हैं कि सब पीएम मोदी के मिशन यूपी के तहत हुआ। सूत्रों वाली खबरें दावा करती हैं कि नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ को बता दिया था कि अरविंद शर्मा यूपी जाएंगे। चलिए अरविंद शर्मा के घर के हालचाल देख लेते हैं। एमएलसी एके शर्मा की कहानी थोड़ी रोचक है। वो 1988 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अफसर हैं। वह रहने वाले यूपी के मऊ जनपद से हैं। मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड के तहत आता है कांझा खुर्द गांव। खबरों के मुताबिक यही अरविंद शर्मा का जन्मस्थली हुआ करता है, जहां पर 1962 में पदार्पण किया। शिवमूर्ति राय और शांति देवी के 3 बेटों में अरविंद शर्मा सबसे बड़े हैं। गांव के स्कूल से प्राथमिक पढ़ाई करने के बाद डीएवी इंटर कॉलेज से इंटर पास किया।
फिर चले गए प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी भी की, फिर सिविल सेवा की तैयारी भी शुरू कर दी और चुन लिए गए। कहा जाता है कि मोदी ने अरविंद शर्मा को अपनी आँख की तरह रखा, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अरविंद शर्मा को साथ ले गए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बहुत दिक्कतों से गुजर रहे थे। 1998 में कांडला बंदरगाह पर तूफान, साल 1999 और 2000 का कच्छ और सौराष्ट्र का सूखा, साथ ही 2001 का भुज का भूकंप, इसके साथ साथ पंचायत और उपचुनाव में भी भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। केशुभाई पटेल से शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं था। केशुभाई की सरकार की नाकामी के खिलाफ खबरें छापी जा रही थी। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जहां मोदी होते थे वहां अरविंद भी होते थे। बहरहाल इस तख्तापलट के दौरान नरेंद्र मोदी की मुलाकात हर्षद ब्रह्मभट्ट से हुई। हर्षद आईएएस अफसर थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। हर्षद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी गहरा जुड़ाव था। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हर्षद ने मोदी को अरविंद कुमार शर्मा का नाम सुझाया। इस समय अरविंद कुमार शर्मा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। इसके पहले वडोदरा में पुनर्वास विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर, गांधी नगर में वित्त विभाग में डिप्टी सचिव, खेड़ा में कलेक्टर, खनन विभाग में ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, मेहसाणा में डीएम और सबसे पहले एसडीएम के पद पर कार्य अनुभव ले चुके थे। अरविंद कुमार शर्मा को हर्षद ब्रह्मभट्ट की सिफारिश पर तुरंत मुख्यमंत्री के सचिवालय बुला लिया गया। नियुक्ति हुई सचिव के पद पर और यहीं से अरविंद शर्मा और नरेंद्र मोदी के बीच एक अटूट संबंध की शुरुआत हुई। साल 2004 में अरविंद शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए। बाद में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर गांधीनगर के मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया। जहां नरेंद्र मोदी रहे वहां अरविंद कुमार शर्मा की मौजूदगी रही। अपने गुजरात के कार्यकाल के दौरान अरविंद शर्मा ने 2-4 गेम चेंजर किस्म के काम किए। पहला काम तो सिंगूर का देख ही लिया था, जिसमें रतन टाटा को नैनो प्लांट के लिए रास्ता साफ कराकर उन्होंने सानंद में जमीन का मामला हल कराया। दूसरा काम है साल 2001 में भुज में आए भूकंप में राहत कार्य का। कहा जाता है कि अरविंद शर्मा के मैनेजिंग में ही राहत कार्य को इतनी तेजी से पूरा कर लिया गया, जिसमें गुजरात को रिस्ट्रक्चर करने में काफी बड़ा योगदान रहा। हालांकि भुज का भूकंप केशुभाई सरकार में ताबूत के आखिरी कील की तरह थी, लिहाजा नरेंद्र मोदी की राहत कार्यों को समय में पूरा करना था। लोग बताते हैं कि कम समय में राहत कार्य और पुनर्वास को अंजाम देने में अरविंद शर्मा ने नरेंद्र मोदी की मदद की। फिर आया नया साल और तीसरा गेम चेंजर काम शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात के नाम से। साल 2003 में शुरू हुआ ये गुजरात सरकार का ऐसा जलसा है जिसकी मदद से गुजरात सरकार निवेशकों को लुभाती थी। हर 2 साल पर इस जलसे का आयोजन किया जाता है। खबरें और लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के करीबी आने के बाद अरविंद शर्मा ने वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। अरविंद शर्मा वाइब्रेंट गुजरात के प्रमुख योजनाकार रहे। 2002 में हुए गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी और अमेरिका के संबंध बहुत दिन तक खटाई में थे। मोदी बहुत समय तक अमेरिका नहीं जा सके, वीजा पर रोक थी। जानकार बताते हैं कि अरविंद शर्मा ही वो व्यक्ति थे जो साल 2014 में अमेरिकी अम्बेसडर नैन्सी पॉवेल को गांधीनगर लेकर आए थे और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और अमेरिका के रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी। लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी देश विदेश के जितने भी दौरों पर गए, अरविंद शर्मा उनके साथ जरूर मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2006 का 11 महीनों का समय छोड़ दें तो पिछले 20 सालों में नरेंद्र मोदी और अरविंद कुमार शर्मा का साथ कभी नहीं छूटा। इन 11 महीनों में अरविंद शर्मा फॉरेन ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला और 30 मई को अरविंद शर्मा को नियुक्ति पत्र मिल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में अरविंद शर्मा ने 3 जून को ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला।
फिर 22 जुलाई 2017 को एडिशनल सचिव बना दिए गए। 30 अप्रैल 2020 को अरविंद कुमार शर्मा को माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय में सचिव बना दिया गया और आखिर में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई। केंद्र में आने के बाद अरविंद कुमार शर्मा का कार्यकाल बहुत चर्चा में रहा। उन्हें सीधे उन प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता था जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की खास रुचि होती थी। 2019 में केंद्र सरकार के 100 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में प्लान को डिजाइन करने में अरविंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इससे जुड़े मंत्रालयों में अरविंद शर्मा की सीधी दखल होती थी। चर्चा तो ये भी है कि अरविंद कुमार शर्मा का मेयार इतना बुलंद था कि वो काम निकालने के लिए सीधे केंद्रीय मंत्रियों को फोन लगा देते थे। उनकी कार्यशैली को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने पिछली बार वाले लॉकडाउन में अरविंद शर्मा को एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। इसके बाद एमएसएमई को जिंदा करने के लिए लोन देने की परियोजना और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई। इसके बाद भी कुछ वायरल हो रही खबरों में एके शर्मा के कार्यशैली पर, उनके कार्यक्षमता पर, उनके अनुभव पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। वह इस बात को शायद भूल गए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी, वो भी बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के, बिना किसी मंत्रालय के अनुभव के। वहीं एके शर्मा की कार्यक्षमता को लेकर एक जो सबसे बड़ी बात उठ रही है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, ठंडे दिमाग और बिना ताम झाम के वो किसी भी काम को पूरी तत्परता के साथ करते हैं और आखिर में सफल भी होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी 2022 के चुनाव को लेकर डैमेज कंट्रोल के मूड में है, क्योंकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। कहा जाता है कि केंद्र में विकास का रथ उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 3 महीने बारिश की है, 2 महीने आदर्श आचार संहिता के निकल जाएंगे। 1 साल का समय है, 1 साल में 5 महीने निकाल दिए जाएं तो 6 से 7 महीने कुछ काम करने होंगे। देखना होगा यह कि अगर एमएलसी एके शर्मा को मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो इन 6 से 9 महीनों में वह कितना कुछ करते हैं। हालांकि ये सब वक्त के तराजू पर देखा जाएगा। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए तहलका न्यूज़।